जय श्री राम के जयकारों से गूंजा शहर। फागुन महीने में प्रभु श्री श्याम की आराधना पूरे देश में की जाती है। विदेश में रहने वाले श्याम प्रेमी भी बाबा की आराधना में आतुर नजर आते हैं। इसी बीच श्याम भक्त परिवार के द्वारा हजारीबाग शहर में 2 दिवसीय श्री श्याम फाल्गुन निशान ध्वज यात्रा एवं फाल्गुन कीर्तन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम दिन रविवार को मालवीय मार्ग स्थित रानी सती मंदिर परिसर से भव्य विशाल निशान ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूर्व मंदिर परिसर में श्री श्याम प्रभु की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में मुख्य यजमान के रूप में टोडरमल खंडलवाल और उनकी धर्मपत्नी बीना खंडलवाल ने प्रभु श्याम की पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना मंदिर के प्रधान पुजारी शशिकांत मिश्रा के द्वारा की गई। शोभा यात्रा में आगे आगे ढोल नगाड़े तो वहीं उसके पीछे श्याम बाबा का आकर्षक दरबार श्याम प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसके पीछे महिलाएं और पुरुष रंगीला निशान हाथों में लेकर प्रभु श्री श्याम का गुणगान करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे। इस शोभा यात्रा में महिलाएं लाल पीली साड़ी और पुरुष कुर्ता पजामा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में करीब 500 से अधिक श्याम प्रेमी शामिल हुए। हजारीबाग से प्रमोद खंडलवाल की रिपोर्ट। आज श्याम भक्त परिवार हजारीबाग के द्वारा श्याम महोत्सव के प्रारूप में श्याम ध्वज यात्रा निकली है, जिसमें समस्त समाज के मारवाड़ी समाज के लोग बड़ी धूमधाम से हिस्सा लिए हैं और काफ़ी धूमधाम से जुलूस को निकाले। जुलूस अभी समापन के बाद भोजन की व्यवस्था है। इसी कार्यक्रम में कल महाभजन का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अपना भजन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा कल। सभी समस्त हजार बागीवासियों से मेरा अनुरोध होगा, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारें और आनंद उठाएं। इस कार्यक्रम के साथ साथ कल महाप्रसाद की भी व्यवस्था है रात को। क्या परिचय हुआ आपका? जयप्रकाश खंडेलवाल, उपाध्यक्ष हजारीबाग यूथ युवा विंग।